आप बोलती पब्लिक क्या चल रहा है आजकल। तो बहुत अरसे बाद बादशाह ने अपने चैनल पे एक गाना निकाला जिसका नाम है ग्रैंड फादर, और मुझे यकीन है मज़ेदार हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। छोरा हरियाणा का मैं जिला करनाल से, मेरा दिल का मैं राजा सूं, ठाडा घर बार से मेरा। छोरा हरियाणा का मैं जिला करनाल से, मेरा दिल का मैं राजा सूं, ठाडा घर बार से मेरा। बोली ते ठेठ ना दिल में हिट आईडी ग्रेट, दिमाग में पै गया था तौर ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था आखर के दिना मैं सच्ची पाता यो कह गया था तौर ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था आखर का दिना मैं सच्ची पाता यो कह गया था तौर ते जिए लाडले। इज्जत हो जानत प्यारी मिट्टी मना रोल दिए, बोलन ते पहला अपने बोला ना तोल लिए। इज्जत हो जान ते प्यारी मिट्टी मना रोल दिए, बोलन ते पहला अपने बोला ना तोल लिए। रे रयो कठे उल्लू के पठे मार के पटे बात समझाया गया था और ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था आखर के दिना मैं सच्ची पाता यो कह गया था और ते जिए लाडले। बगानी छोरी किसी की गलती ते ना छेड़ दिए, जो ईशा करता दिखे पाड़ का धेड़ दिए। बगानी छोरी किसी की गलती ते ना छेड़ दिए, जो ईशा करता दिखे पाड़ का धेड़ दिए। नीत के माड़े जो मन के काले, वो बंदे साले पाड़ के बगा गया था तौर ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था आखर के दिना मैं सच्ची पाता यो कह गया था तौर ते जिए लाडले। कन्हैया नाम था उसका, काम था कलसी रे, आज वा दुनिया माना मालक की मर्जी रे। कन्हैया नाम था उसका, काम था कलसी रे, आज वा दुनिया माना मालक की मर्जी रे। उम्र का सयाना वो मन का न्याणा, यादमी पुराना नाम दिला में दर्ज कर गया था और ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था और ते जिए लाडले, दादा मेरा कह गया था आखर के दिना मैं सच्ची बाता यो कह गया था और ते जिए लाडले, दादा न्यू कह गया था कमाल आखर के दिना मैं सच्ची बाता यो कह गया था और ते जिए लाडले। बहुत आला यार, बहुत ही आला। और तेजी ये लाड ले। ओ, अगला गाना आ रहा है भाई। सबसे पहले तो मैं बता दूं, गाना मुझे बाकी में बहुत पसंद आया, जिसकी को हद नहीं। मतलब बहुत कम होता है जो ग्रैंडफादर पे गाना बने या उस माहौल पे गाना बने जो पीछे गुजर गया, उनकी बातों पर, और वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो एक नई एक फील पैदा करेगी तुम्हें ये गाना सुनते हुए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन बात है। लिरिक्स कम माल, एमी किसी को बादशाह नहीं कहते, बादशाह किसी वजह से बना। और बीट बहुत खूबसूरत है, चस आती है कि बीट सुनते हुए, और गाड़ी के अंदर के जब लगा होगा एक अलग ही फील देगा, मज़ा आ गया। मतलब एंड यार, एक और चीज़ है यार जो बहुत अजीब सी निकलती है, वो ये है कि जैसे डबल मीनिंग गाने होते हैं, जैसे प्यार दी गंडेरी चुप लाए, क्या मतलब, इस तरह के ना गाने होते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं। तो इस गाने के अंदर शुक्र है कोई डबल मीनिंग नहीं है, और प्योर सिंपल, और कोई फजूल चीज़ नहीं दिखाई गई, बिल्कुल लिरिक्स पे काम किया गया हुआ, और एक बहुत ही सिंपल किस्म की वीडियो। मतलब ये क्राउड ओरिजिनल क्राउड है, कोई बुलाई नहीं हुई पैसों पर, तो ओरिजिनल क्राउड दिखाई है। एक अलग डायरेक्टर बहुत अच्छा है इस गाने का, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं बिल्कुल नहीं ये कह सकता कि कोई हल्की सी खामी थी, कुछ था,
तुम लोगों को अगर लगे मुश्किल से वो हल्का सा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हल्का सा ड्रैग किया है। 3 मिनट की वीडियो आ रही है, ड्रैग लगनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा, जैसे कहते हैं ना सुई बराबर, हल्का सा ड्रैग किया, लेकिन लिरिक्स बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा वो जो कल्चर फील कराया। और यकीनन हरियाणा एक मेरे ख्याल से शहर है कि सूबा, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, तो वहाँ का उन लोगों ने एक खूबसूरत सी जगह दिखाई है, उसका ट्रेडिशन दिखाया है और वहाँ के रहने का तरीका बताया, उनके जो दादा होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह वो बात करते हैं और किस तरह वो मूछें, वो पग, बहुत अच्छा था यार, मज़ा आ गया गाना। तो यार यही है मेरा रिएक्शन, तो रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और लाइक कर लेना वीडियो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये गाना ग्रैंडफादर कैसा लगा।